सर मेरे यहाँ सर किस्त लेने आया, किस्त लेने आया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं ऊपर से खड़ी हुई, तो मैंने कहा सर सोमवार को तो नहीं, मंगलवार को मेरे से जितना होगा उतना मैं दे दूंगी आपको। किसकी किस्त थी? सेटिंग कंपनी की सर। तो सर ऊपर से जैसे उतर के आई, वो छोटा सर था, एक सर था साथ में, उसके छोटा सर था, तो उस लड़के ने मुझे इतना बस सुनी थी पन्ने से, बोला सर हाथापाई करी, ये देखो मेरे हाथ में, ये देखो, और पाँव पे भी लाते घुसते मारे, मेरे पाँव से खड़ा नहीं होने आ रहा। उसके बीच बचाव में ये लेडी आई फरीदा, और पड़ोस के सारे ही कम से कम 50 जने इकट्ठे हो गए सर। अब हमारे पास अभी किस्त नहीं है। कौन सा लोन लिया था? कौन सी सेटिंग कंपनी का? अच्छा, और लोन कितना लिया था? लोन लिया था 40,000 का। अच्छा, तो अब लॉकडाउन की वजह से अभी किस्त चाह ही नहीं पा रही है सर, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी करो, चोरी करो, डाका डालो, चाहे गंदे काम करो या कुछ भी करो, आप हमारे को किस्त ला के दो। अगस्त तक के लिए सरकार ने माफ करने के लिए, सरकार ने माफ करी, लेकिन ये किस्त वाले कहाँ माफ कर रहे हैं सर, अभी घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं साहब। तो मामला दर्ज करा दिया आपने? तो मामला दर्ज करा दिया, लेकिन क्या सुनवाई होगी, मुझे तो नहीं लगता साहब सुनवाई होगी। कितने जनों के बीच ऊपर करा? मतलब दो लड़के थे सर किस्त की कंपनी के, एक तो सोहन लाल या ऐसा कुछ करके नाम था उनका, और एक लड़का नया था कोई सर, हमें पता नहीं है। और कहाँ है ये कंपनी? ये कंपनी है या बूंदी रोड पे, वो है हीरावाटी के पास में।